नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लें। दूसरी लाइन और रॉन्ग साइड सभी फंदे सीधे ही बुन लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड अब दूसरे रंग के ऊन से पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे। दूसरे रंग के ऊन से तीन फंदा सीधा। अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। इन्हीं चारों लाइनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। फोर्थ रो और बैक साइड स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा बैक साइड से भी सीधा ही बुन लेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड अब अपने पहले रंग के ऊन से दो फंदा सीधा बुनेंगे और बुने हुए तीन फंदों में से बीच वाला फंदा यानी दूसरा फंदा स्लिप करेंगे। ये फंदा हमने स्लिप किया था, तो ये फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे सीधा बुनेंगे। बीच वाला फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदे सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। इस तरह तीन फंदा सीधा बुनते हुए और चौथा फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सिक्स्थ रो और रॉन्ग साइड बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। इस तरह बुनते हुए सारी लाइन पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड अब अपने मेन रंग से ही हम सभी फंदे सीधे बुनेंगे। अपने प्राइमरी कलर से ही सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। एट्थ रो और बैक साइड सभी फंदे सीधे बना लेंगे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड अब दूसरे रंग के ऊन से दो फंदा सीधा बनाएंगे और तीसरा फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। चौथा फंदा स्लिप करेंगे, फिर अगले तीन फंदे सीधे और चौथा फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। यहाँ देखिए फ्रेंड, जो ये बना है इसके ऊपर वाला फंदा स्लिप किया गया है और बीच वाले फंदे सीधे बनाए गए हैं। ये फूल बना है तो इसके ऊपर वाला फंदा हम स्लिप करेंगे और तीन फंदा सीधा बनाएंगे।
ये भूल बना है तो इसके ऊपर वाला फंदा हमें स्लिप करना है और तीन फंदा सीधा बुनना है। जब हम चार के मल्टीपल फंदे लेते हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा लेते हैं तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाता है। देखिए इधर भी दो फंदे हैं और लास्ट में भी दो फंदे हैं। तो और पीछे से अब बुने हुए फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे और उतारा हुआ फंदा उतार लिया जाएगा। बुना हुआ फंदा सीधा बुन लिया जाएगा और उतारा हुआ फंदा उतार लिया जाएगा। इस तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर ली जाएगी। एलेवेंथ रो और फ्रंट साइड अब अपने प्राइमरी कलर से पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तीन फंदे जो बुने गए थे तो बीच का फंदा हम स्लिप करेंगे और ये फंदा स्लिप किया गया था तो ये फंदा और उसके दोनों साइड वाले फंदे बुने जाएंगे। तो तीन फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करना है, फिर अगले तीन फंदे सीधे और चौथा फंदा स्लिप करना है। इसी तरह तीन फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लें। ट्वेल्थ रो और रॉन्ग साइड स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। थर्टींथ रो और फ्रंट साइड अब इस लाइन से हमारा फर्स्ट रो फिर से शुरू हो जाएगा, यानी कि सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। और 14th रो में सभी फंदे सीधे, यानी पीछे से भी सभी फंदे सीधे ही बना लिए जाएंगे। बारह लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन आपके सामने है। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। मेन कलर से चार लाइन बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।